हंसराज को जेल हो, जेल हो, जेल हो। हंसराज को जेल हो, जेल हो, जेल हो। टीटी के खिलाफ एक्शन लो, एक्शन लो, एक्शन लो। टीटी के खिलाफ एक्शन लो, एक्शन लो, एक्शन लो। टीटी के खिलाफ एक्शन लो, एक्शन लो, एक्शन लो। भ्रष्ट अधिकारियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। मालिकों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। मालिकों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। भ्रष्ट अधिकारियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। हमें आज अनसल गैलेक्सी कोर्ट है उसको लेकर के यहाँ पे आए हैं कि उसकी विभाग ने कंप्लीशन नहीं दी, नोटिस चिपका दिए वहाँ अक आपकी कंप्लीशन नहीं है और आपकी दुकानें गलत हैं। उस चीज़ को लेकर के आज हम यहाँ आए हैं। पीछे हमने गैलेक्सी कोर्ट में प्रदर्शन किया था, आज हम DTP के माध्यम से महानिदेशक को ज्ञापन पहुँचाएंगे। भाई ये दुकानदार आपकी अप्रूव्ड जगह थी अनसल, अनसल में लोगों ने करोड़ों की दुकानें खरीदी, आज 13-14 साल जिन लोगों ने दुकान बनाई होगी 13 साल बाद आपकी आँख खुली है अक इन लोगों को आपने कंप्लीशन नहीं लिया, आप कंप्लीशन लो। हम कहते हैं ठीक है कंप्लीशन लेंगे, अनसल से बात करते हो कहते ना ना पूरे हरियाणा का लो, हमने दुकान यहाँ ले रखी पूरे हरियाणा का टेंडर हमें दे रहे। इस चीज़ को लेकर हम लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लड़ाई हमने कहा पीछे हजारों करोड़ का घोटाला UD लैंड के नाम के ऊपर अनसल में हुआ, भूमाफिया DTP अधिकारी अनसल मालिक उसके मैनेजर ने मिली भगत करके पूरे हरियाणा में हजारों करोड़ की UD लैंड जो प्लानिंग ही नहीं की गई जिसकी अनिर्धारित भूमि बोलते हैं उसको बेच डाला, उस UD भूमि को इन लोगों ने बेचा। हमने शिकायतें की, हमने प्रदर्शन किए, सरकार ने अपने अधिकारियों को भी तुम्हारे अधिकारी ना अंदर चले जाएं, उस उनको बचाने के लिए अनसल API को दिवालिया घोषित करवा दिया। जब उन्होंने दिवालिया घोषित करवाया तो उससे पहले उनको देखना चाहिए था अंदर जो लोगों की दुकानें हैं उनकी कंप्लीशन। हम इन लोगों ने एक एक रुपया जब दे दिया अनसल को, NOC अनसल ने इनको दे दी, आज ये कौन से आते हैं भैया आपके पास OC नहीं है। इस चीज़ को लेकर के हम यहाँ आ जाए हैं भाई, इनकी सरकार कसूर सरकार का है। सरकार ने जब करोड़ हजारों करोड़ के घोटालेबाज को दिवालिया घोषित कर दिया जबकि उसके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं और गरीबान आज इन गरीब दुकानदारों की पकड़ी जा रही है, इनके तलवार लटका दी इनके ऊपर कि आपके पास OC नहीं है, उस चीज़ को लेकर के हम लड़ाई लड़ रहे हैं और इस लड़ाई को हम आज तो यहाँ हैं उसके बाद हम पूरे हरियाणा के अंदर इस चीज़ को उठा देंगे। सरकार ये देखे इन लोगों को साथ ज्यादती किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्वामी जी इसको लेकर आपने किसी से मुलाकात की है, किसी सरकारी प्रतिनिधि से? हमने इसमें पीछे विधायक से मिले थे महिपाल डांडा जी से, उनसे हमने रिक्वेस्ट की थी भई ये गरीब दुकानदार हैं इनका देखो जीविका यहाँ चलती है, हजारों लोगों को यहाँ रोजगार मिला हुआ है, इनको क्यों जाड़ा जा रहा है। तो उन्होंने हमें आश्वस्त किया भी 28 तारीख को हमारा शादी है लड़की की, उसके बाद हम CM साहब का प्रोग्राम लेंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं भी ये बातें ये लड़ाई जारी रहनी चाहिए। नेताओं के भरोसे रहे कि भी कुछ नहीं होता, आम आदमी अपनी लड़ाई लड़ रहा है, दुकानदार अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे पानीपत गैलेक्सी कोर्ट मार्केट है हमारी जिसमें 308 दुकानें हैं, उन 308 दुकानों की अभी तक OC नहीं आई, लेकिन उन 308 दुकानों का जो भी पेमेंट था वो सभी दुकानदारों ने पूरा क्लियर किया हुआ है अनसल कंपनी को, नो ड्यूज हमने ले रखा है उनसे और फुल पेमेंट एग्रीमेंट भी ले रखा है, तो किसी भी दुकानदार की तरफ कोई बैलेंस बाकी नहीं है। अब क्या है हमारी अभी तक रजिस्ट्री नहीं हुई, अब हम अनसल के पास जाते हैं कि रजिस्ट्री करवाओ, अब हमें पता चला कि भी अभी तक इसकी OC नहीं आई। अब OC किसने देनी है? OC देनी है DTP डिपार्टमेंट ने। अब DTP डिपार्टमेंट के पास हम पहुंचे हैं तो वो ये कहता है जी हमें तो पूरे हरियाणा का पैसा लेना है अनसल से, इसलिए हम इनको OC नहीं दे सकते। अब अनसल कहता है जी मेरे पास अभी इतना पूरे हरियाणा का पैसा देने के लिए नहीं है, तो मैं पानीपत का गैलेक्सी कोर्ट का जो भी ड्यूज मैं देने को तैयार हूँ, एक एक करके आगे मैं देखूंगा, तो पानीपत को तो क्लियर किया जाए। तो अनसल पैसा देने को तैयार है जो भी उसकी तरह ड्यूज है गैलेक्सी कोर्ट पानीपत का, लेकिन डिपार्टमेंट कहता है मुझे पूरे हरियाणा का चाहिए। अब हमारी सरकार से यही मांग है कि अनसल गैलेक्सी कोर्ट पानीपत का जो भी ड्यूज केल है अनसल की तरफ उनसे वो लिया जाए और इसकी OC दी जाए, OC आएगी तो ताकि हम लोग ये रजिस्ट्री हो सके, हम इसका मालिकाना हक प्राप्त कर सके। कारण देखो जी सरकार की अपनी नीति है, तो हम तो सरकार से यही कह रहे हैं कि पब्लिक के हित में बात करें, पब्लिक को बेरोजगार ना करें। एक तरफ सरकार कहती है हाँ जी रोजगार देना है, लेकिन यहाँ तो बेरोजगारी का नज़र आ रहा हमें, हम सरकार से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पब्लिक को बेरोजगार ना किया जाए। कि जो अनसल की दुकानें 308 दुकानें हैं उसमें रजिस्ट्री नहीं हो पा रही, रजिस्ट्री इसलिए नहीं हो पा रही कि DTP डिपार्टमेंट ने अनसल को OC नहीं दिया, OC नहीं दिया, उसने पैसे नहीं दिए इसलिए उन्होंने OC नहीं दिया। लेकिन हमने अपना दबाव बनाकर अनसल को कंपेल किया है कि वो इनके ड्यूज़ दे, और उन्होंने लिख के दे दिया है कि जो पानीपत यूनिट है गैलेक्सी कोर्ट
जो कमर्शियल यूनिट है उसके वो पूरे पैसे देने को तैयार है अगर डिपार्टमेंट उसे ओसी देता है, उसने लिख के दिया हुआ। तो आज की डेट में ये जो गेंद है ये डीटीबी डिपार्टमेंट के पाले में है, यानी कि सरकार के पाले में है। सरकार पैसे ले और हमारी ओसी दे अंसल को ताकि वो रजिस्ट्रियाँ करा सके। इसलिए हम यहाँ ये स्ट्राइक कर रहे हैं या यहाँ प्रदर्शन पर आए हुए, क्योंकि एक लंबे समय से हम लोग इस बात से परेशान हैं। दुकानदार 308 दुकानदार के साथ 500-700 एम्प्लॉयमेंट भी लगी होगी, लोगों के परिवार भी होंगे, वो सारे परेशान। नहीं, आए दिन ऐसा नहीं है, पीछे बिजली की समस्या थी, पीछे अंसल रेजिडेंट वाले में उसमें भी हुड्डा डिपार्टमेंट की गलती थी। अल्टीमेटली सरकार को जब 30-32 दिन का वहाँ धरना प्रदर्शन हुआ, सरकार ने उस बात को समझा और वो पूरे हरियाणा में एक नियम लागू करा दिया जिससे सभी लोगों को राहत मिली। लेकिन आज की डेट में जब हमारा जो अंसल है, अंसल का जो पार्ट है, अंसल चली गई है उसमें अपना NCLT में, यानी कि वो अपना दिवालिया घोषित कर दिया उसने, लेकिन पानीपत यूनिट उससे बाहर है। आज की डेट में भी पानीपत यूनिट उससे बाहर है, क्योंकि कुछ यूनिट इन्होंने सरकार ने उससे बाहर निकाली थी और वो पैसे देने को तैयार हैं। तो उसका ओसी देने में इन्हें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। ये नोइंगली अड़ा रहे हैं कि सारे हरियाणा को मिलेगी तब आपको मिलेगी। ज्ञापन हमने देख लिया जी, ये निदेशालय के स्तर का मामला है, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट की मेन डिमांड है, तो हम इसको हेडक्वार्टर पे भिजवा देंगे। मेन इनका ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट है, तो कॉलोनाइजर ने इनको जो दुकानें सेल की हुई हैं वो इन्होंने विदाउट ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट ऑक्यूपाई की हुई हैं, जिसके लिए डिपार्टमेंट ने अभी इनको नोटिस जारी किए हुए हैं। जी, जो एज प्रेजेंट ओनर बने बैठे हैं जी, जिन्होंने दुकानें परचेज की हैं, उनका तो मेरे को फॉल्ट नहीं है। नहीं, उनका फॉल्ट इतना ही है कि उन्होंने बिना रजिस्ट्री के ऑक्यूपाई किया हुआ है। अंसल ने इनको सेल की है, बट पहले प्रॉपर ऑक्यूपेशन के रिगार्डिंग इनको जांच कर लेनी चाहिए थी, लेकिन अभी ऑक्यूपाई हो चुका है, तो उसके लिए इनका जो ज्ञापन आया वो हम हेडक्वार्टर पे भिजवा देंगे। सर,